Welcome to the lecture number 10 of Power Electronics. In the last 9 lectures, I have discussed chapter number 1 with all of you. So, chapter number 1 में आपके वो तमाम टॉपिक्स थे जो कि हम इस पूरी बुक के अंदर कवर करने वाले हैं. ठीक है, सो एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था कि असल में हम इस पूरे कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे. सो अगर आप वो वीडियोज़ को एक दफ़ा देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज से आगे हम जो जो चीज़ें पढ़ेंगे वो आपको कितनी यूज़फुल होने वाली हैं सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए. ठीक है, सो आज का जो लेक्चर है ये हमारा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर है. सो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हमारे पास डायोड्स आते हैं हमारे पास और ट्रांजिस्टर्स वगैरह आते हैं. सो सबसे पहले हम डायोड्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर सीआर की तरफ जाएंगे. डायोड हमारे पास बहुत सी ऐसी उसकी एप्लीकेशंस हैं जिसमें वो जस्ट लाइक कन्वर्टर यूज़ होता है, एनर्जी फीडबैक के लिए भी काम करता है. ठीक है, सो ऐसे इसके बहुत सारे इसके करेक्टरिस्टिक हैं, ऐसे इसकी एप्लीकेशंस हैं जिसके लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में. ओके, सो पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, सबसे पहले अनकंट्रोल्ड और फिर कंट्रोल्ड. अब कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड का मतलब क्या है, इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी. सो कंट्रोल का मतलब ये है कि अगर हम किसी डिवाइस को टर्न ऑन कर रहे हैं तो उसका टर्न ऑन होना भी हम पर है, मतलब हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हम उसको टर्न ऑन कर रहे हैं और हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही उसको टर्न ऑफ कर रहे हैं. ठीक है, वो जो डिवाइस है वो सर्किट की किसी भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. ठीक है, सर्किट की कंडीशन पर डिपेंड होने का मतलब ये है कि वोल्टेज की अप्लाई करने से पॉजिटिव वोल्टेज देने से या फिर नेगेटिव वोल्टेज देने से वो टर्न ऑन या फिर टर्न ऑफ नहीं हो रहा, बल्कि उसको हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू एनी अदर वे. ठीक है, वे कोई भी हो सकती है, हम गेट पे उसके पल्स दे सकते हैं, हमारे पास और कोई भी मेथड हो सकता है, लेकिन ये है कि सर्किट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली ऑन नहीं हो रहा. ठीक है, सो इस चीज़ का मतलब ये है कि वो हमारे पास कंट्रोल में है. सो इसी तरह अगर अनकंट्रोल की बात करेंगे तो अनकंट्रोल का मतलब यह है कि वो डिवाइसेस जो सर्किट की कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ऑन करें या फिर अपने आप को ऑफ करें, मतलब कि वो हमारे ऊपर उनके ऊपर कंट्रोल हमारा नहीं होगा कि हम उनको अगर अपनी मर्ज़ी से उनको ऑफ कर सकें. अगर एक दफ़ा वो टर्न ऑन हो चुके हैं तो हम उनको अपनी मर्ज़ी से ऑफ करें. ठीक है, सो ये हमारे पास अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस हैं. सो अनकंट्रोल्ड के अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं, रेक्टिफायर्स हैं और एसेसरीज हैं. सो रेक्टिफायर्स के अंदर हमारे पास जो पावर सिलिकॉन आ जाते हैं, डायोड्स आ जाते हैं, फ्रेड्स आ जाते हैं और शॉटकी डायोड्स आ जाते हैं. इसी तरह एसेसरीज में हमारे पास डायक हैं, जीनर्स हैं और एमओवीज हैं. ठीक है, सो ये हमारे पास अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स हैं, इनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर्स में. सो एक मैंने आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि मैंने आपसे कहा था कि हम इसको पहले डायोड्स को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर आगे आगे जैसे जैसे हम जाएंगे हम कंट्रोल अनकंट्रोल से हम कंट्रोल की तरफ जाएंगे, फिर एससीआर को पढ़ेंगे, फिर जीटीओस को पढ़ेंगे, सो आईजीबीटीज को पढ़ेंगे. ठीक है, सो ये आगे के सारे के लेक्चर्स होंगे जो मज़ीद डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. सो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस कौन कौन से हैं. अब कंट्रोल की तरफ अगर हम आएँ तो इसमें हमारे पास तीन टाइप्स के डिवाइसेस हैं. एक हमारे पास सेमी कंट्रोल डिवाइसेस हैं, एक हमारे पास कंट्रोल डिवाइसेस हैं और एक हमारे पास इंटीग्रेटेड डिवाइसेस हैं. फिगर में जो आपको शो हो रहे हैं ये वाले रीजनरेटिव. ठीक है, रीजनरेटिव में आपके पास एससीआर है, ट्राईएक है, जीटीओ है, ये हमारे पास सेमी कंट्रोल डिवाइसेस हैं. ठीक है, सो सेमी कंट्रोल का मतलब मैं आपको पहले बता दूं कि सेमी कंट्रोल का मतलब यह है कि उनकी कोई एक स्टेट हमारे अपने कंट्रोल में है और दूसरी स्टेट हमारे कंट्रोल में नहीं है. ठीक है, सो एक स्टेट हमारे कंट्रोल में होने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं एससीआर की. ठीक है, ये एससीआर हमारे पास होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर. सो ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको ऑन तो हम इसकी ट्रिगर मेथड हमारे पास बहुत सारे हैं, इसको हम ऑन गेट की पल्स दे के इसको हम ऑन कर लेते हैं, लेकिन ऑफ ही अपने इसको ऑफ करना हमारे बस में नहीं. ये एक इसकी एक स्पेसिफिक टर्म है, होल्डिंग करंट, जब उससे ये कम होता है तो ये ऑफ हो जाता है. ठीक है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जहाँ पर जो चीज़ समझने वाली है वो यही है कि हमारे पास ये जो डिवाइस है इसकी सिर्फ एक स्टेट हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम इसको सेमी कंट्रोल कह रहे हैं.
ठीक है, इस तरह ट्राई एक जो है ये भी हमारे पास सेमी कंट्रोल्ड है, और GTO भी जो हमारे पास है ये भी सेमी कंट्रोल्ड है। सो सेमी कंट्रोल्ड की समझ आपको आ चुकी होगी कि हमारे पास उसकी एक स्टेट हमारे कंट्रोल में है, या फिर उसको हम खुद ऑन करेंगे तो वो ऑफ नहीं होगा, या फिर हम उसको खुद ऑन नहीं कर सकते बल्कि सिर्फ उसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सो कोई एक स्टेट हमारे कंट्रोल में है। उसके बाद नॉन रीजनरेटिव है, ठीक है, ये सेकंड डिवाइसेस, ये हमारे पास फुली कंट्रोल्ड है। फुली कंट्रोल का मतलब यह है कि इसको हम, ये वो डिवाइसेस है जिनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्जी से उनको टर्न ऑन भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हम उनको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। सो इन डिवाइसेस में हमारे पास आते हैं BJT, MOSFET और IGBT। ठीक है, BJT आपने इलेक्ट्रॉनिक्स वन में पढ़ा होगा कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हमारे पास होता है। सो BJT एंड MOSFET एंड IGBTs जो आपके पास हैं डिवाइसेस, ये आपके पास फुली कंट्रोल्ड है। उसके बाद इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है, इंटीग्रेटेड डिवाइसेस आपके पास आ जाते हैं जो कि कॉम्पैक्ट हैं। आप देखेंगे कि आप माइक्रोप्रोसेसर में अगर आप देखें पिक डिवाइसेस हैं, और ये इंटेलिजेंट हमारे पास होते हैं और पावर मॉड्यूल्स होते हैं, IGCTs होते हैं। हमारा जो कोर्स है इसमें हम हार्डली इनको शायद टच करें, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको इन डिवाइसेस की ऐसा बैचलर्स लेवल पे इनकी ज़रूरत है। ये अगर आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट एस मास्टर में आपने पढ़ा तो आप इनको वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, इसको अगर आप समझ जाएँ तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। अब देखें इस फिगर के अंदर, इस ग्राफ के अंदर आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करनी ज़रूरी है। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स एक्सेस है, यहाँ पे हमारे पास करंट है, जेड एक्सेस में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, और वाई एक्सेस पे हमारे पास वोल्टेज है। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थायरिस्टर है इसके अंदर हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है। ठीक है, सो ये एक्चुअली वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी को शो कर रहे हैं हम यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर। सबसे ज़्यादा इस थायरिस्टर के अंदर वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर देखें हम यहाँ से जब इधर आ रहे हैं तो हमारे पास करंट इंक्रीज़ हो रहा है। सो करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी जो है वो भी हमारे पास थायरिस्टर की सबसे ज़्यादा है। सो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जितना बड़ा डिवाइस, मतलब कि जो जितनी ज़्यादा उसके अंदर वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी, सॉरी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी एंड करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, उस हिसाब से उसका जो साइज़ है, एक तो साइज़ को बड़ा हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इसकी स्विचिंग स्पीड है वो इसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। ठीक है, सो हम देख रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। अगर ये ज़ीरो से अगर हम इसको देखना शुरू करें तो ये वन के भी मिड में आ रही है। सो इसका मतलब ये है कि 1 kHz से भी कम में आ रही है, तो इसकी जो स्विचिंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। सो जहाँ पे हमारे पास हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग एलिमेंट चाहिए होगा और हमें हाई करंट हैंडलिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हम थायरिस्टर को यूज़ कर देंगे। इसके बाद अगर आप देखें GTO को, इसको एज़ कम्पेयर टू थायरिस्टर, इसका जो साइज़ है वो कम है। सो एक्चुअली साइज़ की बात ऐसे हम कर रहे हैं कि इसकी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी जो है वो इस थायरिस्टर से कम है, और इसी तरह इसके अंदर जो करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो इससे कम है। लेकिन जो बाकी डिवाइसेस हैं, IGBTs हैं, MCTs, BJT हैं, इनसे इसकी जो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा है। सो इसके साइज़ के अकॉर्डिंग भी हम ये बात कह सकते हैं कि इसकी जो स्विचिंग स्पीड होगी वो थायरिस्टर से ज़्यादा होगी। लेकिन जो IGBTs हैं, BJT हैं, MOSFET हैं, इनसे इसकी जो स्विचिंग स्पीड है वो कम होगी। सो जैसे जैसे हम आगे आएंगे वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी कम होती जाएगी और करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी भी कम होती जाएगी, वैसे वैसे हमारे पास जो डिवाइस है उसकी स्विचिंग स्पीड तेज़ होती जाएगी। सो MOSFET को अगर आप देखें तो इसके अंदर भी आपके पास पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो फास्टेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो वोल्टेज एंड इसकी जो करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत कम है। सो ये कंपैरिजन था। ये डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन, कि जहाँ पे आपको हाई वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी
आपकी होगी जहाँ पे आप की करंट हैंडलिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो उस टाइम पे फिर आपके पास थायरिस्टर जो है वो यूज़फुल रहेगा। सो इसी तरह जहाँ पे आपको आपके पास आपको स्विचिंग स्पीड तेज़ ज़रूरत होगी तो वहाँ पे आप मॉस्फेट को यूज़ करेंगे। IGBTs जो है ये BJT और मॉस्फेट के एक हाइब्रिड एलिमेंट को कहा जाता है कि ये हमारे पास जो IGBT है ये एक हाइब्रिड एलिमेंट है, मतलब कि इसके पास BJT के भी करेक्टरिस्टिक हैं और इसके पास मॉस्फेट के भी कुछ करेक्टरिस्टिक हैं। सो इसकी जो स्पीड होगी वो BJT से तेज़ होगी, लेकिन इसकी जो वोल्टेज हैंडलिंग वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी है वो मॉस्फेट से ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों के मिड में आ रहा है, ठीक है। BJT के बाद ये IGBT आता है, इसको कहते हैं इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, ठीक है। सो ये इन दोनों के मिड में आता है, तो इसलिए हम इसके इन दोनों के करेक्टरिस्टिक यूज़ कर सकते हैं। सो ये एक टेबल है, इसको अगर आप देख लें कि जो BJT है या फिर हमारे पास MD है, इसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी मीडियम है। सो इसकी जो स्विचिंग स्पीड है वो भी मीडियम है। सो अगर आपको एक नॉर्मल डिवाइस चाहिए जहाँ पे आपको ना ज़्यादा पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी चाहिए ना ही आपको ज़्यादा स्विचिंग स्पीड चाहिए, तो फिर आपके पास जो BJT है ये यूज़फुल डिवाइस रहेगा यूज़ करने के लिए। और उसके बाद फिर अगर MOSFET की बात करें तो MOSFET की पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी लो है सबसे, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसकी वोल्टेज भी कम है, इसका करंट भी कम है। सो जैसे जैसे वोल्टेज एंड करंट कम होता है हमारे पास पावर जो है वो भी कम होती है। सो इसकी पावर जो है वो कम है, सो इसकी जो स्विचिंग स्पीड है वो फास्ट है, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद GTO की अगर बात करें, सो GTO आपके पास होता है, इसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी होती है वो हाई होती है, क्योंकि वोल्टेज भी ज़्यादा है, इसका करंट भी ज़्यादा है। सो इसकी जो स्पीड है वो इसकी स्लो है। सो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ऐसा कोई डिवाइस जिसकी पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी स्विचिंग स्पीड कम होगी। सो पावर कैपेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्विचिंग स्पीड, ठीक है, लेकिन ये हर डिवाइस के लिए नहीं है, ठीक है। आई रिपीट कि ये हर डिवाइस के लिए नहीं है। जैसे MCT की अगर बात करें या IGBT की बात करें, ये इस ग्राफ के अकॉर्डिंग बिल्कुल मिड में आते हैं। सो ऐसे डिवाइसेस जिनके करेक्टरिस्टिक मिड में आ रहे हों, मिडल में हों, यानी कि हाइब्रिड हों, सो उनके लिए ये रिलेशन ट्रू नहीं होगा, बल्कि उनके लिए ये डायरेक्ट रिलेशन होगा कि अगर हमारे पास पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी मीडियम है तो स्विचिंग स्पीड भी मीडियम होगी, अगर हाई है तो हाई होगी, ठीक है। सो इसलिए इस चीज़ को बस आप ये समझ लें कि अगर हम थायरिस्टर की बात करेंगे तो इसकी पावर कैपेबिलिटी ज़्यादा है तो इसकी जो स्विचिंग स्पीड होगी कम होगी, और MOSFET की अगर स्विचिंग स्पीड कम है, MOSFET की अगर स्विचिंग स्पीड फास्ट है तो इसकी जो पावर कैपेबिलिटी होगी वो इसकी कम होगी।